हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राची'स कुकिंग। आज हम बनाएंगे भिंडी की नई रेसिपी, बिल्कुल खट्टी मीठी भिंडी की नई रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कैसा लगा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई, उसमें मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून के करीब ये मस्टर्ड ऑयल है, आप कोई भी ऑयल से बना सकते हैं। उसके बाद 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे। जीरा थोड़ा सा भुनने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे भिंडी। भिंडी मैंने यहाँ पर 200 ग्राम लिए हैं, ये लंबे लंबे साइज में मैं इसको काटी हूँ। आप चाहे तो छोटे साइज का भी बना सकते हैं, पर लंबे साइज में खाने में टेस्ट लगते हैं। उसके बाद इसको कवर कर लेंगे और चलिए इसका मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड, येलो मस्टर्ड सीड है ये, 1 टीस्पून जीरा लूंगी। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद 2 मिनट हो चुका है, हम हमारे भिंडी को अच्छे से चेक करेंगे। अभी भिंडी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं इसके ऊपर से ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, मतलब अच्छे से भिंडी पक चुका है। इसी स्टेज तक आपको भी पकाना है, ज़्यादा गलाना नहीं है। उसके बाद हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून है ये। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। आप चाहिए तो और कोई भी जीरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जीरा हम यहाँ पर इसको पेस्ट करके लेंगे। उसके बाद ये जो येलो मस्टर्ड सीड और जीरा का पेस्ट मैंने बनाया है इसको यहाँ पर डाल देंगे। और हाँ, अगर आप मस्टर्ड सीड को थोड़ा सा भिगोकर पेस्ट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छे से पेस्ट हो पाता है। उसके बाद अच्छे से हम मसाला को भिंडी में मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। लो मीडियम फ्लेम में हमें इसको पकाना है। अगर आपको भिंडी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए। 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। उसके बाद अच्छे से पानी में मसाले को मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा वाटरी वाटरी। पहले हमें इसको थोड़ा सा ही पानी डालना है, उसके बाद हम ज़्यादा पानी डालेंगे। उसके बाद ये मैं खट्टा बना रही हूँ इसीलिए मैं टमरिंड जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये 2 टेबल स्पून है। और खट्टा को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर डाल देंगे जागरी यानी कि गुड़, 1 टेबल स्पून है ये। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो सादे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर गुड़ डालने से ये और भी बेटर लगता है चीनी के मुकाबले। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 1/2 कप पानी और इसको हम अभी मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ पर हाई कर लेंगे, हमें एक उबाल चाहिए तो इसकी वजह से जल्द भिंडी बन जाए। तो एक उबाल आने के बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है हमारा भिंडी। और इसको हम एक तड़का देंगे, उसके लिए हम एक तड़का पैन का इस्तेमाल करेंगे और 1/2 टेबल स्पून पहले ऑयल डालेंगे। तड़का थोड़ा सा अलग है, चना दाल ये सब नहीं डलेगा इसमें। हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 टीस्पून पंचफोरन होता है जो, उसको डालेंगे। ये मसाला बहुत ही हल्का है इस भिंडी रेसिपी में। उसके बाद थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे और एक रेड चिली को हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अदरक, ये जो लहसुन का ग्रेट किए हैं लहसुन, उसको हम डालेंगे, ये 1 टीस्पून है ये। उसके बाद हम सारे चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये एक लहसुन का छोंक है, इसको हम भिंडी में डालेंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये बन गया हमारा भिंडी का नया रेसिपी। कैसा लगा मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरीके से और भी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सामने जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा लाइक कर सकते हैं वीडियो को, कमेंट में बताएं कैसा लगा, जरूर कमेंट करें। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है, तो जरूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको भिंडी। अगर आपको भिंडी पसंद है तो भी कमेंट कीजिए कि हमें भिंडी पसंद है। तो चलिए बनाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।